इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये शादी तो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती प्रीता, क्योंकि अब शादी रोकने के लिए कोई और नहीं, मैं आ रहा हूं। प्रीता, बता दे जो दिल में है तेरे, तू इस शादी से खुश नहीं है, तू ये शादी नहीं करना चाहती। अगर तू ये शादी नहीं करना चाहती तो मुझे अभी बोल दे, मैं अभी की अभी ये शादी यही रोक दूंगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि प्रीता से शादी मत करना, फिर भी तुम उसे शादी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो शादी? क्योंकि मुझे तुम जैसी डेंजर से पीछा छुड़ाना है। शर्लिन का नाम सुन के तेरी हालत है, सोच अगर सामने आ गई तो क्या होगा। भाग जाऊंगा मंडप से, भाग जाऊंगा, शादी को आधे में छोड़ के भाग जाऊंगा। करण अब बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन आप इतने प्यार से इतनी हिम्मत करके यहाँ आई हैं, तो कुछ देर और रुक जाइए प्लीज। मंडप में इसकी जगह दूल्हा बन के मैं बैठूंगा। मतलब आप प्रीता से शादी? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है। करण अब बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन आप इतने प्यार से इतनी हिम्मत करके यहाँ आई हैं, तो कुछ देर और रुक जाइए प्लीज। मंडप में इसकी जगह दूल्हा बन के मैं बैठूंगा। मतलब आप प्रीता से शादी? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है। इस बिल्ले का चेहरा तो मैं कभी ना देखूं, दूल्हा बुलाना तो दूर की बात है इसे। जब तुम्हें पता चलेगा ना ये दूल्हा कौन है, तुम्हें वो देखा हुआ भी अच्छा लगेगा और देखा हुआ भी। ऋषभ के बाद मेरा करण भी बच गया। फाइनली फाइनली प्रीता की शादी हो रही किसी और से। आप जानते हैं ना कि मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। आपको मुझ पर विश्वास है ना? ये शादी तो होके रहेगी समीर, किसी भी हाल में, और इसके लिए हमें प्रीता को वो चोरी का इल्जाम से निकालना होगा। भाई शर्लिन ने प्रीता पे चोरी का इल्जाम लगाया। इल्जाम लगाया ना, इल्जाम साबित तो नहीं हुआ ना। तू एक काम कर, तू घर जा, मॉम से बात कर। शर्लिन जिस नेकलेस की बात करी है कि प्रीता ने वो नेकलेस चुराया, मॉम से पूछ कि वो नेकलेस है कहाँ। वो इतनी एक्सपेंसिव चीज है कि कहीं कोई ऐसे रख के भूल नहीं सकता। तू जाके मॉम से कन्फर्म कर, मुझे फोन करके बता। ठीक है भाई। अपना ख्याल रखना, जब तक जरूरत ना पड़े ना बाहर मत आना। ठीक है। क्या हो गया? आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं ये देख रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ, क्या तू भी वही सोच रही है? आप क्या सोच रहे हो? अरे पहली बार बिल्ली ने रास्ता काटा है और रास्ते में हरियाली आ गई है। शर्लिन ने पहली बार अच्छा काम किया है, उसे हमारे खिलाफ किया है, उसमें भी हमारे लिए अच्छा ही किया है। आपने बिल्कुल सही कहा जानकी आंटी, पहली बार शर्लिन के बुरे काम में हमारा अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका तरीका गलत है। उसने दीप पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया, मन तो कर रहा था कि इसको मुंह ही तोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कि पुलिस आ गई है, एटलीस्ट शादी तो रुक गई। पर इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं, शादी सिर्फ रुकी है, टूटी नहीं है। और आप देखना, जैसे ये पुलिस घर के बाहर चली जाएगी ना, मेरी दीप फिर से इस बागड़ बिल्ले से शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। सृष्टि जी, जानकी आंटी, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि शर्लिन नहीं चाहती कि पृथ्वी जी मुझसे शादी करें? जा, ऑब्वियसली वो नहीं चाहती कि आप पृथ्वी से शादी करो, उस बागड़ बिल्ले के साथ उसका चक्कर तो चल रहा है। चुप कर सृष्टि, कुछ भी बोलती रहती है। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि शर्लिन ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो मुझसे बदला ले सके, क्योंकि उसे अच्छे से पता है ना कि मैं उसकी शादी ऋषभ जी से नहीं होने देना चाहती थी।
मैं रुकवाना चाहती थी वो शादी, तो वो बदला लेने के लिए मेरी शादी रोकने के लिए आ गई। अब देखो इन सब चीजों में हर जाना तो पृथ्वी जी को भुगतना पड़ रहा है ना। बदला उसे मुझसे लेना है, परेशानी उसे मेरे लिए क्रिएट करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो इस वक्त पृथ्वी जी ही हो रहे होंगे। और इसी वक्त तू उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। देख उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले एक बात याद कर ले, सिर्फ एक बार आज तक उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। जब मैं करण के साथ बाहर थी तो हमें कितना बुरा लगा था, कितनी इंसल्ट फील हुई थी। वो बात आज तक कोई नहीं भूला है, जानकी आंटी तक नहीं भूली है, मुझे बार बार याद दिलाती है कि कितना बुरा लगता है उन्हें आज तक। तो तू जो रोज उनके बारे में ये सब बातें करती रहती है, उनके कैरेक्टर को उछालती रहती है, उन पर इल्जाम लगाती रहती है। ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगाती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। यू डोंट बिलीव मी क्या? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तुझ पर विश्वास है, लेकिन ये जो तेरी बातें हैं, ये जो तेरे तौर तरीके हैं बोलने की, कुछ भी बोलने की आदत है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी के भी मुंह पर कुछ भी बोल देती है, इट्स नॉट राइट। अच्छा ये फोन देख रहे हैं आप? ये फोन आपके प्यारे पृथ्वी जी का है, मंडप में शायद भूल गए होंगे, बजे जा रहा था कब से, तो पंडित जी ने ये फोन मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं देख रही थी कि इस पर कॉल आ रहा था किसी का, किसी का नंबर इसमें डेंजर नाम से सेव्ड है। आपको पता है ये डेंजर कौन निकला? शैलन। आज इंस्पेक्टर के सामने सबने कुछ ना कुछ कहा, कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। मैं आपकी चुप्पी की वजह जानना चाहती हूँ। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं चोर हूँ, या फिर आप जानते हैं कि शर्लिन ये शादी रोकना चाहती है? मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं दादाजी के सिद्धांतों के खिलाफ चला गया। रुपया यहां देखो पीछे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अतुल शांत, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? भगा कर लाए? लुक, लुक, मुझे मुझे जाना चाहिए, मैं मुझे सरेंडर करना होगा, वरना तुम्हारे लिए ना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं तुमको मेरी कसम, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुमको मेरे बच्चे की कसम, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं या हमारा बच्चा या तुम्हारा सरेंडर करना? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। मैं जानती हूँ अक्षत के साथ ही तुम्हारी खुशी तुम्हारा दुख सब जुड़ा हुआ है, और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके मैं बेवकूफ बन जाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा। ये लीजिए। क्या है? डिवोर्स पेपर्स, इन पे साइन कीजिए और हमें छुट्टी दीजिए। देखिए क्या है ना जिंदल साहब, कल को आप या आपके परिवार में से कोई भी इंसान हमारी जिंदगी में फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे कि हम नहीं चाहते। ये क्या कर रही हो तुम गुड्डन? ये असली पेपर्स है, प्लान में नहीं था ऐसा। कैसे कर दूं मैं इन पे साइन? मुझे अपने इस दोस्त से जरूर मिलना है। तुम मेरे लिए ना दोस्त से भी कहीं ज्यादा हो, क्योंकि जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तब तुमने मेरा साथ दिया। सो प्रॉमिस करो हम मिलेंगे ना? ठीक है, कल 10:55। हेलो तुम? अगर आपकी बेटी और आपने इस फैशन शो नाम के गुनाह को अंजाम दिया तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो लड़की जिसने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, उसे दोस्त बना लिया तुमने।
हमें डर इस बात का है कि मर्ज घटने की बजाय बढ़ना चाहे। तुम बस उस लड़की जारा से अपनी दोस्ती तोड़ दो। माँ सुनो ना, मुझे अभी निशा माँ से मिली थी, वो सीएम के साथ यहाँ आई हुई थी। अच्छा, कैसी हो? वो ठीक नहीं है माँ, बहुत परेशान लग रही थी, रोए जा रही थी। मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है माँ। अरे फोन क्या करना है, जाके मिल के आ, सीएम से अपना अवार्ड भी ले आना।